नवरात्र उत्सव के पर्व पर पुलिस ने 3 कुख्यात दहशतगर्दी फैलाने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया। स्थानीय अपराध शाखा के पथक ने 3 डकैतों को संदिग्ध को गधा दबोचा। 5 आरोपी अंधेरे का सहारा लेकर भागने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार आरोपियों का संबंध एक अंतर्राज्यीय फरार अपराधी से होने की जानकारी मिलती है। पुलिस ने पकड़े गए 3 आरोपियों में हथियार, 6 जीवित कारतूस, 1 एयर पिस्टल और 1 खंजर बरामद किया है। और भारत के बहुत सारे राज्यों में वांटेड क्रिमिनल हरविंदर सिंह चरण सिंह संदूर फरिंदा, उसका करीब का साथीदार जग्गी जगदीश सिंह दिलबाग सिंह संधू और उसके कुछ साथीदार नांदेड़ के मल्टीपर्पज स्कूल के मैदान में दरोड़ा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन नांदेड़ LCB ऑफिसर्स और स्टाफ को मिली। तो उन्होंने वहाँ पे जाके ट्रैप लगाया। वहाँ पे उनको जग्गी उर्फ जगदीप सिंह दिलबाग सिंह संधू, करण सिंह उर्फ किरण किना सिंह बावरी, राहुल सुभाष ठाकुर, ये 3 लोग वहाँ पे मिल गए। उनके पास में 2 गावटी कट्टे, 1 12-बोर राइफल, 6 जीवंत कारतूस, 1 एयर पिस्टल, 1 खंजर, नायलॉन का दोरी और मास्क और एक कार टोयोटो कार, ऐसा कुल मिला के 6 लाख का मुद्देमाल उनसे बरामद किया गया। कुल मिला के 8 क्रिमिनल पे वज्राबाद पुलिस स्टेशन में 399-401-402 IPC और आर्म्स एक्ट के अंडर गुना दाखिल किया है। उनको 18 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिली हुई है। सर, इसके पहले भी उनके ऊपर कोई मामले दर्ज है? इसके पहले उनके ऊपर खंडनी 307, 392, 395 जैसे गुने दाखिल हैं।